ओके जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट मंडे, चलो जी, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ट्रेन पे। क्यों तू इधर आ यार, तेरे को मैं रेस्ट कराऊं, इधर वाली सीट पे आ तू। चलो जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जल्दी से, आज भी क्लास थोड़ी सी लग रही है, 15 मिनट तो हमारी डिस्कशन ही चलती रहेगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमने कल मीनिंग क्या डिस्कस किया था कि कुछ जर्नल एंट्रीज या लेजर के टाइम पे कुछ गलतियां हो गई तो उसको ठीक करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर मतलब गलतियां, रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना। अब इसमें हमने देखा था कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियां। अच्छा, बता नहीं सकते क्या? नहीं, मैं इतना बिल बचाने के हक में नहीं होता। गलती हमारी लोकेट कहाँ कहाँ होती है, हमने कल देखा था, या तो ओरिजिनल एंट्री के टाइम पे, या फिर जर्नल एंट्री के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, या अगले साल। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स है जब आपको गलतियां लोकेट होती है, मतलब पता चलता है कि वो गलती हो गई। ठीक है, जैसे वो नहीं होता था, अब लग गई बैक, एड देखी हुई आप लोगों ने, जब वो बैक कर रहा होता है, आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो, अब लग गई। क्या यार, आप लोग कितने पुराने लोग हो यार, या कितने नए हो, मैं पुराना हो गया हूँ। सच में नहीं देखी हुई आप लोगों ने वो एड, अब तो लग गई उसकी। वो आती थी यार गोली, कच्चा आम वाली, शायद उसकी थी। एक बात बताऊं सीरियसली, चलो अभी आप लोगों की वो एज है, एक स्पेशल एज पे आके, एक कुछ सालों के बाद आके, आप ना एड्स बड़ी ध्यान से देखा करोगे। एड्स में जो दिमाग छुपा होता है ना, वो बड़ा, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती, बड़े दिमाग वाली एड बनाते हैं। वो नहीं बनाते अपने 5 स्टार वाली एड, चलो अब हम देखते हैं एरर्स, क्या क्या एरर्स होती हैं। कल हमने देखा था एरर्स, पहला पॉइंट, अगर एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, उससे पहले आपको गलतियां पता चल जाए तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो दो तरीके से होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी गलतियां जो एरर को अफेक्ट नहीं करती। तो इसमें पहला पॉइंट है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इसको बोला जाता है जी, इसको बोला जाता है टू साइडेड एरर्स। इसकी फॉर एग्जांपल लिखो इसमें ना, ये वाले फर्स्ट पॉइंट के साथ एग्जांपल लिखो, फुल जर्नल एंट्री, फुल जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड। पूरी की पूरी जर्नल एंट्री, पूरी की पूरी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो देखा जाए ट्रायल बैलेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेबिट में भी नहीं आई अमाउंट, क्रेडिट में भी नहीं आई अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर हो जाएगा। चाहे वो टोटल गलत है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर तो कर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरी की पूरी जर्नल एंट्री को ओमिशन कर दिया, ओमिट कर दिया, लिखा ही नहीं। जैसे यहां पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, ओमिशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, यानी कि जर्नल में आपने एंट्री लिखी ही नहीं। सेकंड, रोंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने रोंग रिकॉर्डिंग कर दी। रोंग रिकॉर्डिंग का मतलब है 100 रुपए वाली अमाउंट आपने 150 लिख दी, डेबिट में भी 150 लिख दिया, क्रेडिट में भी 150 लिख दिया, या 100 की जगह 1000 लिख दिया, दोनों साइड डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो देखा जाए टोटल तो बराबर हो जाएगा, टैली कर जाएगा, लेकिन चाहे वो ट्रायल बैलेंस गलत है, लेकिन उसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, मतलब टोटल तो बराबर हो ही रहे। तो ऐसी गलतियों को क्या बोला जाता है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, या फिर स्कोर क्या बोला जाता है, टू साइडेड एरर्स। अब आप लोग आ जाओ जी, इसको छोड़ दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ सीधा। सर इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, अभी के लिए मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, वैसे नोट्स के लिए आपको मैं 4 पेजेस छुड़वाऊंगा, जहां जहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में सिर्फ 4 पेजेस के नोट्स ही सफिशिएंट है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था, कल की क्लास लगी थी, आई थिंक 20-25 मिनट की लगी थी, तो जो जो कल नहीं आया था वो क्लास लगा लेना। शायद मैंने ऐप पे डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, डाल दी होगी, आप चेक कर लेना, जो कल नहीं आए थे। ज़्यादा क्लास नहीं लगी थी, 20-25 मिनट की लगी थी। तो अब स्टार्टिंग के आपको पहले, जहाँ पे आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो,
एक तो मैंने ये बताया था कि पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में आपको 10-11 पेजेस छोड़ने हैं, क्योंकि हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एडिशनल क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। तो वो पेजेस छोड़ने के बाद ये चैप्टर शुरू करोगे, ये चैप्टर शुरू करने के बाद फिर से 3 या 4 पेजेस छोड़ने अपने नोट्स के लिए, जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हम सिर्फ और सिर्फ बुक में देख रहे हैं, ठीक है, कि इस चैप्टर को करना क्या है। और कल सबसे मेन बात मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, कि ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री का चैप्टर है। जैसे मेरा जो जर्नल चैप्टर था ना, ये उसका सेकंड पार्ट है, कल मैंने लिखवा दिया था, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहली क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन देखो, ऊपर क्या लिखेगा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, हमसे जी गलतियां हो गई, गलतियों को रेक्टिफाई कर दो। गलतियां करने वाला कौन था, मूर्ख। हम कौन है, समझदार, ठीक है, कि रेक्टिफाई कर दो। समझदार लोगों से मूर्ख लोगों की गुजारिश है, ये पहली गुजारिश। क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब बंदे ने पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो ये देखा जाए तो डबल साइडेड एरर हो गई ना, क्या इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो बराबर आ ही जाएगा, चाहे वो ट्रायल बैलेंस का टोटल गलत है। मैं अभी ये नहीं बात कर रहा कि ट्रायल बैलेंस का टोटल ठीक है कि नहीं, लेकिन बराबर तो होएगा ना, क्योंकि आपने डेबिट में भी नहीं लिखा उतनी अमाउंट, आपने क्रेडिट में भी नहीं लिखी, तो इसकी एंट्री फिर क्या करेगा समझदार बंदा। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो नीचे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करो जी टिक। पहला क्वेश्चन, सर बस ऐसे ही होएगा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, नहीं, इतना खुश भी नहीं होना, इतना दुखी भी नहीं होना, धीरे धीरे प्रोग्रेस। सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज वर नॉट रिकॉर्डेड, क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। कल मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवाया था, सबसे पहले हम करेंगे करेक्ट एंट्री, फिर हम करेंगे रॉन्ग एंट्री, फिर हम करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। तो ये वाली जो भी आपने एंट्री बताई है सेकंड वाली, उसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए। व्हाट्स द अमाउंट, ठीक है जी, ये भी मैंने किया, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, मतलब शुड बी एंट्री। उस मूर्ख इंसान ने, उस मूर्ख मुनीम ने, जो मुनीम इसका था, मुनीम समझते हो, अकाउंटेंट, उसने क्या एंट्री की है, नहीं की। मुनीम, पंजाबी मुनीम होता है हिंदी पंजाबी, अच्छा एक काम करते हैं, क्लास छोड़ते हैं, पहले ये ढूंढते हैं। चलो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या थी, ये लो ढूंढ देता हूँ मैं, देखता हूँ वैसे गूगल में आता है लेखाकार, वो कुछ और होता है, गूगल नहीं चल रहा, गूगल खराब है। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या है, नहीं पता। नलायक टीचर, अरे कह तो रहा हूँ नलायक टीचर। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या की, मैं डैश डाल देता हूँ, नहीं की तो मतलब डैश, या लिख दो नो एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए, जो करेक्ट है वही की वही रेक्टिफाई आ जानी चाहिए, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ठीक है, थर्ड एंट्री। अब इसमें देखो कई बार क्वेश्चन में आपको तो क्या एंट्री पूछी गई है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग, आपसे तो ये एंट्री पूछी गई है, फिर सर आपने 3 कॉलम क्यों बनाई, क्योंकि अभी आगे लेवल बढ़ेगा ना, तो 2 साइडेड की जगह 1 साइडेड एरर होगा, कि उन्होंने परचेज तो कर दी होगी, ब्रिज नहीं किया होगा, और ब्रिज के अकाउंट में अगर नहीं, परचेज में उन्होंने कर दिया एंट्री लेकिन अमाउंट गलत भर दी, तो ऐसी ऐसी गलतियां आएंगी। हमें ठंडे दिमाग से समझदार मुनीम बनने, ना कि मूर्ख मुनीम। मूर्ख नहीं है, आप कह सकते चलो कि हाँ जी लापरवाह, कुछ भी नहीं बनना, ठीक है ना। क्वेश्चन लेकिन हमें बार बार उस मूर्ख मुनीम के बारे में बताया बताता रहेगा। गुड्स रिटर्न टू चारू वर नॉट रिकॉर्डेड, ये परचेज, नहीं जी नहीं, आप यार मैंने गुड्स रिटर्न किए चारू को, ये परचेज रिटर्न हुई, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। आगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका वर नॉट रिकॉर्डेड, दीपिका सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका ना, लास्ट में सेल रिटर्न टू दीपिका। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, उम्मीद भी मत करना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, बेस नहीं करवाऊंगा क्या यार। पहले क्वेश्चन को टिक करो, अब आएगा जी असली मज़ा,
आसान है। अच्छा आसान वाला फिर इधर ही देख लेते हैं, देखते हैं जी कितना आसान लगता है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला, क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड एट 700। सेल मैंने तो 7,000 की करी, अकाउंट्स में भी तो जो सॉफ्टवेयर में एंट्री तो 7,000 से करनी थी ना, मैंने कितने से कर दी? 700 से। क्या मैंने ठीक बोला है कि गलत बोला है? 700 वाली एंट्री मैंने 7,000 चढ़ा दी या 7,000 वाली 700? 7,000। मतलब 6,300 कम एंटर की है ना, तो 6,300 की और सेल रिकॉर्ड कर दो, क्या एंट्री बनेगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ अब मेरे को इसकी करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई एंट्री बताना, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? एक बार फिर से, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने? 7,000। सोच के बोलना, यहाँ पे दिमाग वाला चैप्टर है ये वाला हमारा। और गलत हमने क्या कर दी? क्या यार, अरुण टू सेल करनी थी, अरुण टू सेल ही तो किया, गलत क्या हुई फिर इसमें? कहाँ है? अच्छा 7,000, 700 आएगा। पर यार देखा जाए, हम याद करने वाले भी तो थोड़े से बच्चे हैं ना। अरुण टू सेल किया था करेक्ट में, अरुण टू सेल हमने रोंग में भी कर दिया, इसमें गलती कहाँ है? अमाउंट की गलती भी एरर्स होती है, वो भी गलती गलती है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ मतलब 7,000 करना था, 700 कर दिया। अब मैं क्या करूं, सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण है ना, सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण है ना, सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण है ना, सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण। सात हजार की कर दी थी, करनी थी हमने 700 की करी, तो हमने 6,300 की और करनी है ना, तो फिर से अरुण टू सेल्स। सर ये तो अरुण टू सेल का स्क्वायर बन गया, क्यूब क्यूब नहीं स्क्वायर भाई, इधर इसमें इन दोनों में सॉरी कहना चाहता था मैं, ठीक है? तो हमें स्क्वायर क्यूब चार को क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा ही होता चार, अरे वैसे सिंगल डबल ट्रिपल और चार को वैसे बोलते क्या है? हाँ नहीं, 4 टाइम्स क्वाड्रिपिक्लेट है ना, क्वाड्रिपिक्लेट बोलते हैं ऐसे कुछ, और पांच को भी कुछ बोलते हैं। हाँ अरे एंट्री बताओ अरुण। सर आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा लेते? ये तो मेरी लाइन थी, आपने पहले ही बोल दी। आगे थर्ड, सॉरी सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर रिकॉर्डेड इन 900। तो इसकी जीरो कैसे सुधारें? रेक्टिफाई एंट्री बताओ, रेक्टिफाई एंट्री बताओ। कल मैंने सिखाया था ना यहाँ पे कटिंग अलाउड नहीं होती। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कितने से? डिंपल चैप्टर समझ नहीं आएगा, बार बार मजाक नहीं, यहाँ पे मजाक करने का हक सिर्फ एक इंसान को है। सारे अपने अपने नाम बोल दो आगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, मैंने मजाक उड़ाने का नहीं बोला था। आगे थर्ड, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर रिकॉर्डेड एज 400। परचेज रिटर्न 4,400 से। अच्छा गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वर रिकॉर्डेड एज 100। 900 से। चलें जी ये दो क्वेश्चन तक जिसको डाउट है पहले पूछ लो, मैं कहा समझ के नहीं, ऐसे हाँ मत कर देना, फीस भर रहे हो आप। चंचल आ गया समय सच में, चल सकते हैं आगे, टिक कर दो इसको भी है। चलो ये ठीक है, लग गया पता। हम पेपर खत्म हो गया, हूं क्या फोन करना, करो ऐश करो, फरलू फरलू मारो, उस तो बाद फोन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एंट्री नंबर 1,
क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 7,200। पिछले क्वेश्चन में लेस रिकॉर्डेड नहीं कर रहे थे, यहाँ पे एक्सेस रिकॉर्डेड हो गया, ओवरकास्ट हो गया। ओ हो, अकाउंटिंग शब्द, वाह। अच्छा, इसकी एंट्री को अब हमने क्या करना है? मेरे को ना पहले इसकी वो बताओ, करेक्ट रॉन्ग, पहले करेक्ट एंट्री फिर रॉन्ग और रेक्टिफाई। पहले करेक्ट बताना, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद हाउ मच? 7,000। एक बार फिर से सोच लो। व्हाट हैज बीन डन? मतलब हमने सामान बेचा 7,000 का, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया 72 का। ज्यादा कर दिया या कम? ओवरकास्ट हो गया। एम करेक्ट, ओवरकास्ट। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे कर देते हैं, इसको काट के ऐसे 7,000 कर देते हैं। पर सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि ऐसे कट कर दो, इरेजर, वाइटनर। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? हो ना डिंपल, जब से इसके पेपर खत्म हुए हैं उड़ता ही फिरूं इन हवाओं। अच्छा, इसको ठीक कैसे करेंगे अब? कल हमने क्या डिस्कशन की थी कि किसी भी एंट्री को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो उसको रिवर्स एंट्री कर दो। मतलब अगर वो ओवरकास्टिंग है, अगर अंडरकास्टिंग थे पिछला क्वेश्चन, तो उतना और रिकॉर्ड कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने रिवर्स थोड़ी किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने जितना कम रिकॉर्ड किया था उतना और कर दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको रिवर्सल कर दो। रिवर्सल में सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्यों? सेल का उल्टा तो सेल रिटर्न होता है। हाँ, तो याद रखेंगे हम, सेल अलग चीज है, सेल रिटर्न अलग चीज है। गलती सेल में हुई है। मतलब गलती, अगर देखो दो बच्चे हैं, अन्नू और बन्नू, अन्नू से गलती हुई है, हम थप्पड़ बन्नू को थोड़ी मारेंगे, चाहे वो ट्वेंस थे। समझ में आ रहा है? जिसकी गलती उसको थप्पड़। एंट्री तो बता दो। सेल अकाउंट डेबिट 200। ठीक है, मान लेता हूँ, ये तो सोखी थी, तो कोई भी बता दे। अगली बताओ। ब्रिज अकाउंट डेबिट ऊपर जाए, परचेज कभी क्रेडिट में ही नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, पर फिर भी परचेज थोड़ी कभी क्रेडिट में होता है। अच्छा, ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। मतलब रेक्टिफाई में हम परचेज को क्रेडिट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम गलतियां सुधार रहे हैं। लेकिन वैसे परचेज सर डेबिट में नहीं होता, चाहे आपकी वो बात सही थी। समझ गए ना, मेरे दिमाग में गलतियां चढ़ गई हैं। थर्ड, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 रिकॉर्डेड 4,040। सोच के बोलो, ये वाली एंट्री थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। पहले मेरे को पहले करेक्ट एंट्री बता दो, क्या बनेगी? चारू टू पी आर विद हाउ मच? 4,040। सिर्फ सर आपके दिमाग में नहीं गलतियां चढ़ी, हम आपके साथ हैं। अच्छा, हमने गलती से कर क्या दिया था? 40-40, यहाँ पे 40-40 कर दिया था। मतलब हमने परचेज रिटर्न को ज्यादा ले दिया, परचेज रिटर्न टू चारू विद 40। जो आपको मार्क्स मिलेंगे पेपर में वो इस वाले कॉलम के मिलेंगे, ठीक है? स्कूलों में भी, ज्यादातर स्कूल्स में भी ऐसे ही करवाया जाता है, करेक्ट रोंग और रेक्टिफाई करके। लेकिन करेक्ट और रोंग जो होती है ना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो रेक्टिफाई एंट्री के ही मिलेंगे। कहीं आपको सर मैंने करेक्ट ठीक लिखी थी, मैंने रोंग भी ठीक लिखी थी, दो एंट्रियां तो मैं ठीक लिखा आया था, मैंने रेक्टिफाई सिर्फ गलत किया है और मैडम ने एक भी नंबर नहीं दिया, तो ऐसे मत सोचना नंबर रेक्टिफाई के होंगे। आगे थर्ड, सॉरी फोर्थ, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? सेल रिटर्न टू दीपिका, तो अब दीपिका टू सेल रिटर्न 600। टिक कर दो जी। पहली बार हमारी अकाउंट्स में इतनी स्पीड बनी होगी ना, 3 क्वेश्चन हो गए। ओए होए होए,
दस थे? मैं तो कहता हूँ ना बताएं यार, मैं तो कहता हूँ अगले सेमेस्टर, मैं तो कहता हूँ अगले सेमेस्टर तक ना बताएं। किसी की स्कॉलरशिप लग गई फिर? वो अपन ने कहा था 1100 या 500 में डिसाइड कर लेंगे, मौके पे अगर मंदी हुई तो 500, अगर तेजी हुई तो 1100। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नहीं एक ही एंट्री देख रहे हैं, देखें तो सही समझ में आती है। वैसे क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब सोचो, अब अपने आप ऐसे सोचो, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, अपने आप सोचो क्या एंट्री बनेगी। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई अपने आप सोचो, पीछे रफली करके देखो कॉपी पे। देखते हैं करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाई। करेक्ट बताना क्या बनेगी। हाउ मच? 7000। रॉन्ग क्या कर दी हमने? रिकॉर्डेड इन, देखो इन्होंने रॉन्ग कर दी परचेज बुक में। परचेज बुक में मतलब इसने ना सेल की एंट्री को एज अ परचेज वाली एंट्री कर दी। तो परचेज की एंट्री बताओ क्या होती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण कर दिया भाई इसने, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसने ना सेल वाली एंट्री परचेज बुक में कर दी। मतलब एकदम से दुनिया बदल दी, जज्बात बदल गए। मतलब मैंने सामान बेचा है, मेरा ये डेटर होना चाहिए था 7000 पे। पिछले चैप्टर में हमने बार बार देखा ना, डेबिट डेबिट में क्या आते हैं डेटर, मतलब मैंने पैसे लेने हैं। और जब मैं सुबह उठा देखा और उन क्रेडिट में आ रहे हैं, मतलब मैंने पैसे देने हैं उसको, मैं सामान बेचा है। एक तो मैंने उसको वो दिया है कि ले जी भी हमारा सामान ले जाओ, और बाद में देख रहा हूँ मेरे को पैसे भी देने हैं। तो मतलब गलती है ना, इसको ठीक क्या करेंगे। सबसे पहले देखो अरुण को डेबिट करना चाहिए था। अब सीख लो, ये आपके रेक्टिफिकेशन चैप्टर की पहली एंट्री है जो मैं कह रहा हूँ कि अब दिमाग वाली है, जो अब आपको बार बार सिखाऊंगा मैं। अरुण को हमें डेबिट कितने से करना चाहिए था? 7000 से। एक तो हमने वो नहीं किया, और हमने गलती से अरुण को उल्टा क्रेडिट कर दिया। एक तो पहले ठीक वाला लिखो, अरुण को कितने से डेबिट करना है? 7000 से, जो मैंने नहीं किया। देखो करेक्ट में था ना अरुण, डेबिट 7000। यहाँ पे तो देखो रॉन्ग वाले में मैंने डेबिट किया नहीं, पहले वो डेबिट करो। और गलती से जो सेकंड वाला कॉलम है, गलत वाला कॉलम है ना, क्रॉस लगाया हुआ है, गलती से अरुण को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये गलती है, अब इसको डेबिट कर दो। तो अरुण अकाउंट डेबिट 7000। तो सर दो दो बार अरुण अकाउंट डेबिट, तो आप एक काम ये कर सकते हैं ना, अरुण अकाउंट डेबिट सीधे ही 14000 से कर दो। लॉजिकली भी मैंने आपको सिखा दिया ना कि अरुण को हमने डेबिट करना है एक बार, तो वो वाला जो हमने उसको डेबिट करना भूल गए थे, अरुण को हमने 14000 से सर डेबिट क्यों किया? एक तो हमने वो डेबिट किया जो हमने 7000 से डेबिट करना था, ठीक है, एक हमने वो डेबिट किया जो हमने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया था। तो अल्टीमेटली अरुण को अब हमने 14000 से डेबिट करके, अच्छा अब डेबिट वाले में और क्या था हमारे पास, करेक्ट वाली में हमने सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओए होए, ऐसे लग रहा है मैंने तारों का बिजनेस खोला हुआ है। ओए होए, इधर आजा भाई इधर आजा। अब देखो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में एक तो अरुण हो गया डेबिट 7000 से, अब मेरे को करेक्ट एंट्री में टू सेल्स करना था, लेकिन मैंने कर दी थी ये एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण कर दी थी, तो सेल को मैं क्रेडिट करना भूल गया था ना। तो जब मेरे को रेक्टिफाई करनी है, रेक्टिफाई का मतलब होता है आपकी सारी कंप्लीट आपने कर देनी है, तो सेल ने सेल लिखनी थी आपने क्रेडिट में, आपने लिखी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे टू सेल्स लिख देते हैं। ओए होए होए, सीधा कैमरे के सामने बेइज्जती, लस्सी क्या सीधा बेइज्जती बोल दिया मैंने।
इतना अपमान बच्चों के सामने, कैमरे के सामने। अरुण अकाउंट डेबिट हो गया, शुक्र है। अब मैं भी बदला लूंगा, एक तो आएगा टू सेल्स 7,000 से। और देखो अभी तक मेरा पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, ये वाले अरुण को मैंने ठीक कर दिया, ये देखो मैं इसको कट कर देता हूँ, ये वाली सेल्स को मैंने लिखना था इसको ठीक कर दिया, ये वाले अरुण को भी तो मैंने ठीक कर दिया ना, ये वाले अरुण को भी तो मैंने इधर लिख दिया था। अब मेरे पास रह गई गलती परचेज की, परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया था, ठीक करने के लिए क्या करूंगा, टू परचेज 7,000। मतलब ये जो है अब अपना ये समझ लो कि इस चैप्टर का पहली एक अच्छी वाली एंट्री यही थी। तो अगली क्लास से हमारी ऐसी एंट्रीज ही आएंगी जहां पे नाम भी गलत हो सकता है, अमाउंट भी गलत हो सकती है। अगली एंट्री में पता है क्या बोलेंगे कि आपने अरुण टू सेल 7,000 से करना था लेकिन आपने परचेज बुक में 700 नहीं किया, 6,000 कर दिया। तो अमाउंट में भी गलती आ सकती है, जर्नल एंट्री में भी गलती आ सकती है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं बिल्कुल। चलिए बाय बाय, थैंक यू।